विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और बड़ी तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंकने को तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जाने वाले जीएल शर्मा जी। आइए सीधी बात करते हैं जीएल शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नाइन टीवी में। सबसे पहला प्रश्न सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही समय शेष है, आपके प्रमुख पांच मुद्दे क्या होंगे जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा जो गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं, विशेष रूप से चूंकि गुरुग्राम के विषय को लेकर ही साक्षात्कार हो रहा है, तो गुरुग्राम में हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, बहुत से विकास कार्य कराए। पिछले मनोहर लाल जी की सरकार से पहले जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे विकास हो, तो उसके बारे में एक विख्यात था विषय, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद और असमान विकास, जिस मिथक को मनोहर लाल जी ने तोड़ा। और पाँच साल के अपने शासनकाल में विशेष रूप से गुड़गांव जो हरियाणा के राजकोष में अच्छा खासा योगदान करता है, यानी 57 से लेके 70 पैसे तक का योगदान हमारा गुरुग्राम की तरफ से हरियाणा के राजकोष में जाता है, उसके अपेक्षा के अनुरूप जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो पीछे नहीं हुए। पाँच साल में गुरुग्राम में हजारों करोड़ के विकास कार्य हुए। हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी छानी है, हम वहाँ डोर डोर गए हैं कंफर्म करने के लिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना मतलब डेवलपमेंट हुआ है। तो वहाँ की जनता का कहना है कि वो बेरोजगार है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, सीवर लाइन से पानी की समस्या से वो जूझ रहे हैं, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। तो सर, अभी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये समस्या का समाधान हो चुका है? बिजली की समस्या तो शायद आपको नहीं कहीं नजर आई होगी, क्योंकि 24 घंटे बिजली इसी सरकार ने दी है। आज के दिन बल्कि हरियाणा में हर बार बिजली का मुद्दा होता था, ये पहली सरकार चुनाव में जा रही है जिसमें हरियाणा में बिजली मुद्दा नहीं रही है, और बिजली नहीं मुद्दा रही, पानी भी मुद्दा नहीं रहा, ये दो चीजों पर काम हुआ है। लेकिन हाँ, ये आप सत्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पुराना गुड़गांव है, जहाँ जैसे मैंने बताया घनत्व के हिसाब से आबादी बढ़ गई है, मतलब 100 गज के प्लाट में आप कितने आदमी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच एक परिवार के लोग रख सकते थे, लेकिन वहाँ 50 रह रहा है। तो जो शिविर का जो डला था वो डला था 5 आदमी के हिसाब से, वो 50 के हिसाब से वो छोटा बढ़ गया है। तो मैंने ये बात आपको पहले कही है कि जो हम सुधार करने वाले हैं उसमें शिविर व्यवस्था है, क्योंकि जिस आपकी आबादी होगी, जिस क्षेत्र में जितनी आबादी होगी उसी घनत्व के हिसाब से वो डलेगा। शिविर का है, पीने के पानी की हमने 5 भागों में इसको बांटा हुआ है, 2-3 जगह हमारा पीने के पानी का कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हो गई है, 2-3 जगह भी ऐसी बची है जिन पर वो पहुँचनी बाकी है। मैं कह रहा हूँ ना, 5 साल में 70 साल के काम नहीं पर 40 साल के ही काम हम करा पाए हैं, 30 साल और होने चाहिए थे, लेकिन 5 साल में हम अगले में ये काम भी शुरू करवा रहे हैं जो हमने योजना बनाई हुई है, उसके हिसाब से पानी, बिजली, बिजली की तो समस्या ही नहीं है, सड़क और सीवरेज और शुद्ध वायु, इसके विषय में काम किया जाएगा, शिक्षा चिकित्सा का ध्यान रखा जाएगा। इसमें जैसे कि अभी आपने बोला कि कश्मीर धारा 370, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवाद और धारा 370 वो बीजेपी के लिए यहाँ पर हरियाणा में एक अहम मुद्दा बन सकता है चुनाव जीतने के लिए? स्वाभाविक तौर पर जो मैंने बताया कि धारा 370 और 35 से हटने से हरियाणा में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, मतलब जो आंधी थी वो समझो कि एक तूफान में तब्दील हुई है। कारण क्या है कि पूरे देश में, हरियाणा में जो हमारे देश में जो सेना है उसमें हरियाणा का 10वां हिस्सा है, मतलब छोटा सा स्टेट है 22, तो मतलब उस स्टेट का 10वां हिस्सा, हर 10वां फौजी वो हरियाणा से है, और ज़्यादातर जो शहीद हो रहे थे वो कश्मीर में ही ज़्यादा इस तरह की दिक्कत हो रही थी, तो हरियाणा का सीधा सीधा संबंध कश्मीर से था। मुझे तो जो लग रहा है कि मेरे केंद्र ने तो नारा दिया था अब की बार 75 पार, हमने ये नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है और खट्टर है तो 75 है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में, धारा 370 35 से खत्म होने के बाद में, कि हरियाणा हो सकता है 89 पार हो जाए। तो ये है जीएल शर्मा जी का कहना कि इस बार हरियाणा 89 पार 100% होगी। कैमरामैन रागिव के साथ प्रियंका, 9 टीवी, गुरुग्राम।